कांस्टेंट चार्ज और कांस्टेंट पोटेंशियल दोनों पे पढ़ लिया था, ब्रेक ऑन वोल्टेज पढ़ लिया, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ ली, हो गया। नेक्स्ट लिखो। अब बसे वाले सवाल जिसमें मान लो कि डायलेक्ट्रिक जो है, जैसे अपन डायलेक्ट्रिक पे बात करते हैं, जैसे अपन डायलेक्ट ऐसे वाले सवाल जिसमें जो कैपेसिटर है, क्या है उसमें डायलेक्ट्रिक पूरा नहीं भरा हुआ है, डायलेक्ट्रिक पूरा नहीं भरा हुआ है, कैसा नहीं भरा हुआ है, पूरा, कुछ पार्शली भरा हुआ है या कॉम्बिनेशन में भरा हुआ है, उन वो सवालों को कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, ध्यान समझो आप। जैसे मान लो ऐसे आपका कैपेसिटर है और ये दूरी डी है, दूरी कितनी है डी, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, एप्सिलॉन ए बाई डी सी, बहुत बढ़िया है सी। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर सी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स टी। आम आदमी है ना, डी, तो कोई बुराई वाली बात नहीं। मान लो कि मैं इसमें एक ऐसे एक प्लेट ले लूँ, मतलब एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल ले लूँ, जो मैं समझो कि पार्शली फिल्ड है, ऐसा फिल्ड है पार्शली फिल्ड, मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस टी है, कितनी है टी, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, बोलो क्लियर। मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स दूरी पर है, अगर ये दूरी एक्स यहाँ पर है तो ये दूरी बची डी माइनस टी माइनस एक्स। मुझे इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, क्या चाहिए, अगर मुझे सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए देन व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, मान लो कि छोटा बताऊं बड़ा बताऊं या दोनों बताऊं, क्या लेवल का बताऊं, तुम्हारे लिए तो दोनों ही लेवल बहुत कम है, तुम तो ऐसे ही आते हो यार, तुम ऐसा कौन सा लेवल है जो तुम अचीव नहीं कर सकते, तो ऐसी बातें मत करा करो छोटी मोटी, तुम लोग साले नासा के साइंटिस्ट हो, नशा के गलत बोल गया मैं, सॉरी। हाँ आ जाइए इधर आइए, तो अपन एक्स टी और डी माइनस टी माइनस एक्स। अब क्या हो, जैसे मान लो हमको इसकी सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जाहिर सी बात मान लो कि यहाँ पे चार्ज है क्यू, कितना है क्यू, तो यहाँ कितना, अगर आपको बहुत ध्यान देखें तो यहाँ पे अगर अपन ऐसे देखें यहाँ पे कुछ इंड्यूस आया होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस जगह पे यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे एयर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ध्यान से देखो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यानी कि क्या क्यू बाई ए एप्सिलॉन, और यहाँ पर भी क्यू बाई ए एप्सिलॉन, पर अगर अपन इस मटेरियल के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है के फैक्टर से, पहले तो समझ आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई क्यू बाई ए एप्सिलॉन के, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मतलब ये बात समझ में आई, ऐसा है। अब मान लेते हैं कि अगर अपन ध्यान से देखें कि इसका अगर टोटल पोटेंशियल वी है, टोटल पोटेंशियल वी है, तो आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वी वन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर V1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक V2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक V3, तो क्या V equals to V1 plus V2 plus V3? Yes, sir. V equals to V1 plus V2 plus V3. तो अपने लिख दिया भाई साहब, ये अपन लिख दिया, तो अपन लिखा V equals to V1 plus V2 plus V3. सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अगर आप ध्यान देखो तो V क्या चीज है, टोटल, क्या चीज, टोटल, तो लिखना चाहिए Q by C equivalent. क्यों भाई, ऐसे अगर अपन बात करें, खैर अभी अपन उस पर और चर्चा कर लेंगे। अब आप V1 की बात करो तो V1 क्या चीज है, V1 असलियत में चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू x, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं भाई, V को V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, व्हाट इज V1, क्या है, क्या E इनटू x, E कितना है, तो अपन लिख दिया जाए देखो, तो Q by A epsilon naught into X plus V2, Q by epsilon K into T plus Q by A epsilon into D minus T minus X, कोई बुराई नहीं है। चलो भाई साहब, क्या इसको लिखा जा सकता है Q by C equivalent, क्या लिखा जा सकता है, भाई सी इक्विवेलेंट, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, क्यों 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 क्यों, मर गया, अरे हाँ ना बोल,
ध्यान से देख, तो x x और इसमें भी x मर गया, अरे तुझे नहीं आया, ध्यान से, तो ये भी x है और वो भी x है, मरा के बच गया, तो भाई साहब ये बचा t बाई ए एप्सिलॉन ए के, एप्सिलॉन ए के के है उसके साथ, बरे इतने साल से तो कटा नहीं, अब कट जाएगा, हाँ यार, डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस टी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्लियर है भाई साहब? अगर आप सी इक्विवेलेंट के लिए को देखो तो एप्सिलॉन ए कॉमन ले लो, एप्सिलॉन ए सही तो बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, मुझे लगा है तुम्हें आया, आया नहीं आया, अरे सोच लो, ये उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जो पार्शियली फिल्ड है, कैसे फिल्ड है, कैसे फिल्ड है, व्हिच इज पार्शियली फिल्ड, उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तुम्हें दूर दूर तक समझ, थोड़ा रख के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर पूरा का पूरा डायरेक्ट्रिक कैपेसिटर से, मतलब कैपेसिटर डायरेक्ट्रिक से भरा हुआ होता तो क्या टी की वैल्यू डी होती, तो यहाँ डी रखो, तो डी ने डी को मार दिया, डी बाई के मतलब एप्सिलॉन ए के बाई डी, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसको थोड़ा और जनरलाइज कर लेते हैं, सोच के देखो, तो ये जो मैंने सिस्टम रखा ना, इसमें कैपेसिटर में सिर्फ एक ही प्लेट थी, मान लो आप इस फॉर्मूले को पहले बहुत ध्यान से देखो ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसको ध्यान से देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अरे यहाँ से डिपेंडेंट ऑफ x है, x इज द डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट फ्रॉम वन ऑफ द सर्फेसेस, इससे कोई फर्क नहीं, इधर उधर रखो कोई दिक्कत उसमें नहीं, मुझे लगा ही तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया, बल्कि आप बहुत ध्यान देखो तो अपने को समझ में आया। अच्छा मान लो मैं देख रहा हूँ एक प्लेट की जगह दो तीन प्लेट है, टी वन के वन टी टू के टू टी एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, तो देख सी इक्विवेलेंट क्या आया, जनरलाइज जैसे समझ में आ जाएगा तेरे को, एप्सिलॉन नॉट ए प्रोसेस को समझना, समझ में आ जाएगा अपना, डी माइनस सिग्मा टी आई प्लस सिग्मा टी आई बाई के आई, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, नहीं आया, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल डायरेक्ट्रिक्स अगर भरे हुए होंगे तो प्रोसेस तो यही अपनाएंगे ना, यार मुझे लगा ही तुम्हें आया, तो आया एप्सिलॉन ए डी माइनस सिग्मा टी आई प्लस टी आई बाई के, क्या तुम्हें प्रोसेस समझ आया है, क्या तुम्हें फॉर्मूला समझ में आया है, मैं पूरी फील कराना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे बताया, बाकी मैं एक छोटे तरीके से भी बता सकता था उसमें सिंपली ऐसे सोचते देख कैसे, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे करने पर ये तीन कैपेसिटर बन गए C1 C2 C3, ध्यान से देख C1 C2 सीरीज पैरेलल, क्या दैट सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ सिस्टम जो कि ऐसे C1 C2 C3, यार मुझे लगा ही तुम्हें आया, C1 C2 C3, तो क्या 1 by C equivalent आया 1 by C1, और 1 by C1 की वैल्यू है epsilon A by X, अरे भाई साहब epsilon A by X प्लस C2 की वैल्यू है epsilon K A by T, और उसकी वैल्यू है epsilon A by D minus T minus X, अरे भाई हाँ ना बोल, तो C equivalent तो यही आएगा, मुझे लगा है तुम्हें आया, ये छोटा तरीका सोचने का बट पूरी फील के साथ ऐसे सोचा जाए तो बहुत बढ़िया है, क्या फॉर्मूला याद रहेगा एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और अगर बहुत सारे हो तो एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस सिग्मा ऑफ टी आई प्लस सिग्मा ऑफ टी आई बाई के आई, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, अगर डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा तो बताना कोई खास बात बता दे, हेडिंग हेडिंग लिखो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, हेडिंग के पीछे पड़े रहेंगे भले समझ आए नहीं आए, अब जैसे है ना कभी कभी क्या होता है, जैसे ये सवाल है मान लो, अब जैसे ये सवाल है इसमें क्या है ना एक आध बार और कैसी आ चुकी बता दो, जैसे मान लो इस सवाल में अपन ऐसे समझें कि अपन है ना यहाँ से कोई भी जनरल दूरी ले लेते हैं, ऐसे मान लो तो कि यहाँ से कोई भी ओरिजिन ले लो और यहाँ से कोई भी दूरी जनरल x ले लो, वैसे ये भी x ले रखा है पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे x ले लो, तो अगर अपने से दो ग्राफ बनवाए जाते हैं, समझे कैसे, अगर आपसे ग्राफ बनवाए जाए e और x का, किसका e, तो सोच क्या x दूरी तक फिर x प्लस टी और फिर x प्लस टी यानी कि d, x x प्लस टी और ये d, बोलो क्लियर, yes,
इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनाया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या अपनी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट थी और कांस्टेंट थी, कोई बुरे वाली बात, फिर वो घटकर वापस कांस्टेंट ही हो गई, पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये सब ग्राफ आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, फिर क्या वापस उतनी हो गई, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सल ग्राफ समझ में आया है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ऐसे ही एक और ग्राफ तुम्हें नहीं आया है ना, ऐसे एक और ग्राफ बनाया जाता है जो v और x के बीच में बनाया जाता है, किसके v और x, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पोटेंशियल अगर अपन यहाँ पे जीरो मान लें, यहाँ पे क्या मान लें जीरो, और यहाँ पे v मान लें तो v का ग्राफ बनाया जाए, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक v घटा बढ़ा घटा, अच्छा याद कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है माइनस dv बाई dx, क्या होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब v और x का स्लोप कांस्टेंट है, बेकार रिस्पांस, v और x का स्लोप कांस्टेंट है और पोटेंशियल घट रहा है विद अ कांस्टेंट स्लोप, विद अ कांस्टेंट स्लोप, अरे ध्यान से सोच के e बराबर माइनस dv बाय dx है, मैं कह रहा हूं अगर आप v और x का ग्राफ बनाओ सिर्फ x दूरी तक, ऐसा समझो आप, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, आप देखो ध्यान से समझना अच्छे से, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो e बराबर माइनस dv बाई dx, तो आपको बात समझ में आएगी कि यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब b और x का स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप नेगेटिव, जाहिर सी बात है घट रहा है, कोई शक वाली बात नहीं, मुझे लगा ही तुम्हें आया, तो ध्यान देखो तो ग्राफ ऐसा आया, मान लो पोटेंशियल यहाँ बी था तो ऐसा है, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, उसके बाद जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये स्लोप कम हो गया, स्लोप तो अपन ज्यादा स्लांटेड हुए कम स्लांटेड हुए, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी दूरी में क्या स्लोप जो बेसिकली अपन ज्यादा स्लांट से गिरेंगे कि कम स्लांट से, मुझे लगा है तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, लॉजिकल है, तो भाई साहब उसके बाद ग्राफ ऐसा आया, देखो ध्यान से खूब अच्छी, इसमें भी सवाल आ चुका है कि बताओ कौन ज्यादा है थीटा वन की थीटा टू, कौन ज्यादा है थीटा वन, क्या उसके बाद वापस वैसे का वैसे बन गया तो क्या फिर स्लोप उतना ही आ गया, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, क्या तुम्हें स्लोप समझ में आया है, एग्जामिनेशन का जेई का एक सरल एग्जामिनेशन बताता हूँ आपको, उन्होंने डायरेक्ट्रिक लिया सॉरी कैपेसिटर लिया और उन्होंने बोला ऐसे, उन्होंने बोला सिंपली कि ये दो अलग अलग डायरेक्ट्रिक है, इधर के वन और इधर के टू, बस इतना बोला, और उन्होंने बोला कि इनका जो पोटेंशियल का ग्राफ है किसका वो ऐसा है, देखो बताओ कौन ज्यादा के वन के टू, कौन ज्यादा, चार ऑप्शन थे के टू ग्रेटर देन के वन, के वन ग्रेटर देन के टू, के वन बराबर के टू, नो कमेंट, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कैसे वाले लॉजिक से बता सकते हैं, जितना ज्यादा के होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना कम स्लांट होंगे, क्योंकि उतना धीरे धीरे पोटेंशियल घटेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना जल्दी पोटेंशियल घटेगा, अरे ई इनटू डी नहीं आया, आया कि नहीं आया, प्राण प्रगेरु सोच लो, गारंटीड बता लो, अब सुन वास्तविकता में क्या है कि इस तरह कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए अपन छोटे सवाल चालू करते हैं, मान लो कि हमने ऐसे कैपेसिटर लिया जिसमें मान लीजिए तीन बिल्कुल इक्वल स्पेस अपन ने डायरेक्ट्रिक भर लिए, के वन के टू के थ्री बिल्कुल इक्वल स्पेस, तो आप सोच के देखो तो क्या इनके बीच का अगर एरिया वेरिया ए था, इनके बीच की दूरी डी थी, ये डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, ध्यान दे तो डी बाई थ्री क्या तीनों सीरीज में, तो क्या दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, आप ऐसे लिख सकते हो सी वन सी टू सी थ्री, क्या मैंने अभी समझाया था, ये बेसिस से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसे ध्यान से देखो तो सी वन की वैल्यू है एप्सिलॉन ए के वन बाई डी बाई थ्री, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया, एप्सिलॉन ए एरिया तो उतना ही रहा ना, एरिया तो तीनों सीरीज में दिख गए, कोई दिक्कत वाली बात, एप्सिलॉन ए के वन बाई डी बाई थ्री, ऐसे ही सी टू सी थ्री लिख सकते हैं, और उसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये है, इसमें कोई कष्ट नहीं, मान लो थोड़ा और वैरायटी को बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आपका सिस्टम ऐसे है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे आपका कैपेसिटर है और आपके डायरेक्टर ऐसे भरे हुए हैं के वन के टू, अब क्या समझे, ये दोनों सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, समझ आ गया, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सोच लो, कोई बुराई हेलो ये C1 और ये ऐसा डायग्राम बन गया इसका, छोटी छोटी बातें आती है, अब सोचो C1 के लिए क्या लिखोगे, अगर ये AD है तो C1 के लिए लिखोगे एप्सिलॉन
ए बाई टू के वन बाई डी, समझ नहीं आया? आया। एरिया आधा हुआ, डी आधा हुआ, पक्की बात? यस। सी टू भी लिख सकते हो? यस सर। सी टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू के टू बाई डी। मुझे लगा ही तुम्हें आया। आया आया नहीं आया, आया। चलो भाई एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर अब आपको सवाल दिया जाए ऐसे, कुबाज कुबाज, कुछ नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं, ध्यान सुनते चलो। कुबाज ऐसे तीन में तोड़ दो, नीचे वाला पूरा K1, ये वाला पूरा K2 और ये वाला पूरा K3। अब कैसे करेंगे? क्या है C2 C3 सीरीज और C4 मतलब C1? क्या C2 C3 लिख सकते हो? चलो बोलो C2 C3 की, C2 के लिए बोलो epsilon not A by 2 K2 by D by 2। मुझे लगाने तुम्हें आया। आया नहीं आया, आया। कोई बुराई? क्या सी थ्री भी लिख सकते हो? क्या सी वन भी लिख सकते हो? 1% कोई कास्ट? अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे तो क्या सवाल कर लोगे? पक्की बात? उतार, फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया कहाँ गलत है? अबे ए बाई टू है, ध्यान दे, सही लिखा एरिया। ए बाई फोर कहाँ से हो गया? ऐसे तो एरिया तो ए बाई टू ही रहेगा ना। 3D में इमेजिन करना सीखो। ये कैपेसिटर है, इसके चार हिस्से कर दिए। ये K1, ये K2, ये K3 और ये K4। क्या C1, C2, C3, C4 बना सकते हैं? Yes, चलो मिलके बनाते हैं। सुने एकदम? यस सर। कहाँ K2? हाँ ये देख, ये क्या है? C1, C2, C3, C4। बोलो क्लियर है? ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? C1, C3, C2, C4। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा, नहीं आएगा, दोनों से सेम आंसर नहीं आएगा। पहली बात, दोनों से सेम आंसर नहीं आएगा, दोनों से सेम आंसर, ये बात फिक्स्ड है, अलग अलग आंसर है इनके, इसका मतलब एक सही है और एक लगते दोनों सही हैं, लगते दोनों सही हैं, जबकि एक सही है और एक गलत है, और जो सही लगता है साला वो होता है। ठीक, हाँ बोलो। आधा तो दूसरा समझ ही नहीं आया, दूसरा कैसे बनाया? ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल और आपस में सीरीज, और पहले में ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल। बोलो क्लियर? यस सर। कौन सा सही? पहला।
सही है। ये सही है, तुक्का तुम्हारा कुछ का सही गया। अब सुन लो चुपचाप, पहली बात, दूसरा गलत है, दूसरा सही। आपने दूसरे में माना कि ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब आपने इस वाले को इक्विपोटेंशियल मान लिया, जबकि ये कंडक्टिंग प्लेट नहीं है। कंडक्टिंग प्लेट ये है, ये पूरी इक्विपोटेंशियल है, ये पूरी इक्विपोटेंशियल। सोच के देख, अगर तूने यहाँ पे इक्विपोटेंशियल मान लिया तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी, जबकि तो अलग अलग है। अरे भाई साहब, अगर आपने इन दोनों को पैरेलल माना, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मान ली क्योंकि दूरी सेम है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, असलियत में जो इंटरफेस आपने पूरी लाइन डाली है, दो डायलेक्ट्रिक के बीच का इंटरफेस है, ये कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट नहीं है भाई साहब। क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट नहीं है इसलिए ये इक्विपोटेंशियल हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए पहला वाला सही है कि दूसरा वाला? दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला है। इस सवाल को ऐसे ही करा जा सकता है, इस सवाल में इतना कंफ्यूजन नहीं आता। कंफ्यूजन कब आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई है ना ऐसे सवाल दे, समझना, हाँ ऐसे ऐसे बना दे, ठीक, बोले ये K1, ये K2 और ये पूरा। अब हर बच्चा पता है क्या करेगा, इन दोनों को पैरेलल लेगा और इसको, वो गलत है। ये सवाल पता है कैसे होगा, आप इस C3 K3 वाले को भी दो हिस्से में तोड़ो। अरे भाई साहब, इन दोनों को क्या लो, सीरीज, इन दोनों को क्या लो, फिर आपस में क्या लो। तुझे मेरी बात समझ, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, या प्राण प्रकीर्ण उड़ गए, बोलो चमका। इसलिए ये इन वाले सवाल में क्लैरिटी होनी चाहिए, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अरे जुम्मा बोले हमें उतार ले। खैर, हम एक और बात करते हैं, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन था डिफरेंट, सीरीज पैरेलल कैसे लगाएं, और इस पॉइंट का हमें ध्यान होना। एक दो अच्छी स्टैंडर्ड फॉर्मेट और कर लेते हैं जिसमें बेसिकली ये करते हैं कि वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? तो लिखो वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझे इसको। मैं दो फॉर्मेट इसमें कराता हूं, वो दोनों टिपिकल होती हैं, दोनों समझ लो अच्छे से, बाकी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कैसे समझे अच्छे से। तो वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब बेसिकली वेरी कर रहा है कौन, के, कौन के, के वेरी कर रहा है। तो सीक्वेंट कैसे निकालते, लेट मी टेल यू। सपोज ऐसे आपकी प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, या आपकी क्या है कैपेसिटर प्लेट्स, इनके डायमेंशन अपन ले लेते हैं, स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं अपन, तो स्क्वायर प्लेट साइड एल, साइड एल, मान लो कि इनके बीच की दूरी डी है, कितनी है, मान लो कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी डी है। मैं इनका ऐसे टॉप मतलब थोड़ा 3D में व्यू बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लो कि यहां पे जो आपका डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना ऐसे, ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बोलो क्लियर। अब दो तरह के सवाल आ सकते हैं कि मतलब डायलेक्ट्रिक वेरिएबल विद एक्स और डायलेक्ट्रिक वेरिएबल विद वाई, मतलब के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो और के एज अ फंक्शन ऑफ वाई, पहले कौन सा करोगे, एक्स। मान लो कि के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, अब अगर k एज ए फंक्शन ऑफ x है तो हमें समझ में आता है कुछ भी फंक्शन हो सकता है, 2x+1 और k नॉट प्लस x+, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं जनरलाइज कर देता हूँ उसको समझ अच्छे से।
तो अगर x पे जाके अगर अपन ध्यान देंगे तो अगर अपने को ये करना है तो अपन x पे जाके क्या करें, dx का एक एलिमेंट लें, ऐसे पतले पतले सभी कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, पैरेलल प्लेट ऊपर नीचे है बेटा, अभी तक प्लेट ऐसे ले रहा था, अब प्लेट, तो ये सारे सीरीज की पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, पक्की बात। तो x पे जाके dx का अगर मैंने एलिमेंट लिया तो देखो इस कैपेसिटेंस का ये dc, क्या चीज, ये जो dc है, ये जो dc है, dc की वैल्यू कितनी है, पहले बात तो आधे को समझ नहीं आया वो क्या रहा है, dc की वैल्यू क्या है, x पे जाके dx का कैपेसिटर बन गया, ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर प्लेट्स हैं, ये दूरी d है, बोल एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना, एरिया डी डी एक्स की एल डी एक्स, प्लेट पे होगा ना एरिया तो नहीं आया, तो एरिया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, एल डी एक्स इंटू के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अरे भाई हाँ ना बोल, एस नॉट के ए बाई डी, डी कितना, डी कितना, अरे यही तो मोटाई हुई, मुझे लगा ही तुम्हें आया, अच्छा ऐसे सब डीसी डीसी सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, तो क्या सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मैंने गड़बड़ तो नहीं करी, सब सही, और इसकी लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं करी, एप्सिलॉन ए एरिया से लिखा मैंने एल डी एक्स, बिल्कुल परफेक्ट, और ये और लिमिट कहाँ से कहाँ था, जीरो से, जीरो से, अरे हाँ ना तो बोलो, कोई कष्ट वाली बात सोच लो, थोड़ा अच्छा वर्जन कि अगर हम इसी सवाल को दोबारा वापस करें पर अब किसके साथ वेरिएबल, देखना तो गड़बड़ नहीं करूं, कोई रटनी नहीं है पर फिर मतलब कोई भी फंक्शन आप दे दिया तो अपने को इसको बनाना आना चाहिए, देखिए वही स्क्वायर प्लेट और वही सब एन वही एन वन वन, ये वाई ये एक्स, बोलो क्लियर है ना, और अब के एज अ फंक्शन ऑफ वाई, अब एलिमेंट कैसे लूं, सब लोग बोलेंगे वाई पे जाके, वाई पे जाके, वाई पे जाके डीवाई का एलिमेंट ले लो, तो वाई पे जाके डीवाई का अगर एलिमेंट लोगे वाई पे जाके अगर डीवाई का, अरे कभी तो हाँ ना बोल, अगर वाई पे जाके डीवाई का एलिमेंट लोगे तो कैपेसिटर कैसे बनेगा, ऐसी स्ट्रिप बनेगी, चलो बोलो इसकी जब डीसी ली, अच्छा ऐसी ऐसी स्ट्रिप सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, तो पहले डीसी तो लिखो, डीसी कितना, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, सोच अब, अरे पतली पतली स्ट्रिप लो पर एरिया तो पूरा ही आएगा, एरिया तो मुझे लगा है तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, तो एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट के वाई, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर के वाई बाई बाई, क्या मोटाई डी वाई हो गई, अब मोटाई मुझे लगा ही तुम्हें आया, मोटाई डी वाई हो गई, अच्छा ये सब सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, अगर ये सब सीरीज है तो 1 बाई डी सी इज इक्वल टू क्या, सॉरी 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज बेसिकली क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डी सी, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर 1 बाई डी सी करोगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर डी वाई बाई के एज अ फंक्शन ऑफ वाई, वाई की लिमिट, वाई की लिमिट, अब सवाल में जैसा भी फंक्शन वाई का और एक्स का दिया हो सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अगर वेरिएबल डायरेक्टरी कांस्टेंट भी दे दे तो भी मुझे 1% कोई काश नहीं है, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये फॉर्मेट हो गई, ये हो गई, ये हो गया, ये हो गया, एक और चीज़ इसे बोलते हैं, याद कर मैं चीज़ बताई थी जब हम डायलेट्रिक इंसर्ट कर रहे थे, जब हम डायलेट्रिक
तो मैंने बोला था एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? Force. तो लिखो फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल. फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल. ध्यान सुन, फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल. वही अपन ने कैपेसिटर लिया जैसा अपन ने अभी बनाया था, स्क्वायर प्लेट ले लो, साइड ले लो, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ठीक भाई, वी वोल्ट की बैटरी, अगर हम वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट रखेंगे इसका मतलब इसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये स्क्वायर प्लेट, कैसी प्लेट? स्क्वायर प्लेट. ठीक भाई, समझ आ गया. साइड एल, साइड एल. ठीक भाई, ये बात भी समझ आ गई. मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी डी है. कितनी है? डी. जिस साइज की कैपेसिटर प्लेट्स हैं बिल्कुल उसी एग्जैक्टली साइज का हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक है. क्या है? हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं इसमें. ये इसका थोड़ा 3D व्यू है, अगर आप इसका 2D व्यू देखो तो वो ऐसा है. ये छोटा और 2D व्यू. अरे भाई हाँ ना बोल, छोटा और 2D व्यू. तो यहां पे जो अपना डायलेक्ट्रिक है वो ऐसे है, ये रहा मान लो. समझ में आ रहा है कैसे? yes, समझने के लिए ऐसे है 2D में. बोलो क्लियर है क्या? 2D वर्जन और छोटा पर रियलिटी है. बोलो जो मैं बोला चमका. yes, इस तरह की सिचुएशन है. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है, जब भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है तो हमें समझ में आता है इसकी डायमेंशन बिल्कुल वैसी है जैसी उसकी है. जब भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है, मान लो कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज. और यहाँ पे क्या है? माइनस. तो यहाँ क्या इंड्यूस होता है? माइनस. यहाँ क्या उसकी वजह से एक फोर्स आता है अंदर? हम इस फोर्स की बात करना चाहते हैं. हमें बात बहुत अच्छे समझ में आती है कि जब डायलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम की कैपेसिटेंस चेंज हो रही है. याद करके हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बढ़ रही है सिस्टम की कैपेसिटेंस, बढ़ रही है. और सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो क्या टोटल कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? मतलब क्या चेंज हो रही है? क्या हो रही है? चेंज. अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जो कैपेसिटर प्लेट पर फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा? माइनस डी यू बाई डी एक्स. इज वॉट एक्स? मान लो अपन इतना इंसर्ट कर चुके हैं किसको? डायलेक्ट्रिक को. मान लो हम इतना इंसर्ट, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद एक्स, क्या वही फोर्स अप्लाइड होगा? क्योंकि उतने ही फोर्स से अपन अंदर की तरफ धकेले अट्रैक्ट करे जा रहे हैं और उतने ही फोर्स से अपन बाहर की तरफ भी फोर्स लगाएंगे, तभी अपन बाहर आ पाएंगे, वरना बाहर आना पॉसिबल नहीं. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. तो जो बोला चमका, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पर समझना है अपने को. तो यहाँ तक की बात अपन ने कर ली. अगर अपना ये एक्स अंदर आ चुका है तो सोचते हैं कि इस समय अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो यू है क्या? यू बेसिकली है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर. क्या है? जैसे से अंदर आ रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है? सी. क्या चेंज हो रहा है? मैं सी इक्वलेंट बोल लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा. सी चेंज हो रहा है, वी में कोई चेंज? तो अगर आप डी यू बाई डी एक्स निकालना चाहते हो, जिसे आप फोर्स कहते हो, तो डी यू बाई डी एक्स क्या है बेसिकली? बेसिकली है वी स्क्वायर बाई टू डी सी इक्वलेंट बाई डी डी एक्स. बोल यस और नो. अगर मैं निकालना चाहता हूँ डी यू बाई डी एक्स तो मुझे लिखना चाहिए वी स्क्वायर बाई टू डी सी इक्वलेंट बाई डी एक्स. मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया. सोच लो. बहुत बढ़िया साहब. तो ये हमने ऐसे लिख लिया डी सी इक्वलेंट बाई डी एक्स वी स्क्वायर बाई टू. इधर आ जाओ, इधर देख लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं. अगर अपन बहुत ध्यान से देंगे तो ऐसे खुपच खुपच खुपच. मान लीजिए कि अपना ये एक्स अंदर आ गया. कितना अंदर आ गया? एक्स.
अगर x अंदर आ गया तो ध्यान से देखो तो ये दो डायलेक्ट्रिक दो कैपेसिटर बन गए, एक x वाला और एक l माइनस x वाला। अरे हाँ ना बोल। और ये दोनों कैपेसिटर, इसे मान लो C1 और इसे मान लो C2, सीरीज पैरेलल। तो अगर पैरेलल हुए तो क्या C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2? C इक्विवेलेंट इज, अच्छा C1 के लिए बोलो सब लोग ध्यान से देखो, तो C1 की वैल्यू एप्सिलॉन K, एप्सिलॉन K एरिया बोल XL, X X X शाबाश, एफ्स नॉट के एक्स एल भाई। हाँ ना बोल यार, क्या सही बोल रहा हूँ भाई? भाई सी टू बोलो एफ्स नॉट एल एक्स नहीं आया, ये तुम्हें समझ आया नहीं आया? क्या ये दूरी l माइनस एक्स है? क्या ये दूरी l ही है? तो क्या एरिया हुआ l इंटू एल माइनस एक्स? एल इंटू बाई 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 कहाँ क्या आएगा? ये तो एयर वाला है, ये कौन सा है? तुम्हें मेरी बात समझ? तो वैसे भी एयर वाला, तो एप्सिलॉन के एक्स एल बाई डी प्लस एप्सिलॉन एल एल माइनस एक्स बाई डी। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब देख ध्यान से, इसको देखें तो क्या लिखा, सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, तो एप्सिलॉन एल बाई डी कॉमन ले लो, और इधर क्या बचा के एक्स प्लस एल माइनस एक्स, तो क्या हुआ एल प्लस एक्स के माइनस वन। तुम्हें मेरी बात समझ? अच्छा मैं सीक्वेंट चाहिए डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स। अगर इसको डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो सोच के देखो, पहली टर्म तो जीरो हो जाएगी और दूसरी टर्म में एक्स का एक्स वन बच जाएगा और क्या के माइनस वन आ जाएगा। तो डी सी इक्विवेलेंट के लिए आएगी एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस वन बाई, मैं गलत तो नहीं बोला यार? इसको उठा के यहाँ रख दो, तो du by dx यानी कि फोर्स की जो वैल्यू अंदर की तरफ आई मैग्नीट्यूड वाइज वो निकल के आई, ध्यान से देखो dc इक्विवेलेंट की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट l k माइनस वन v स्क्वायर बाई 2d। आप बहुत ध्यान से देखो तो कांस्टेंट वोल्टेज के केस में ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वोल्टेज के केस में ये मतलब क्या, अगर कांस्टेंट वोल्टेज पे इंसर्शन होगा तो क्या फोर्स विल बिकम कांस्टेंट? इसलिए आपके लिए मैक्सिमम टाइम यही आता है और यही स्टैंडर्ड है आपके लिए। क्या कांस्टेंट वोल्टेज पर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक में जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बेकार रेस्पॉन्स, कांस्टेंट ही वेरिएबल, कांस्टेंट, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। सोच लो yes, हाँ ना बोल yes, उतार, फिर और दो चार बातें बताता हूँ, पहले समझ के उतार इसको। आ जाओ एप्सिलॉन एल के माइनस वन वी स्क्वायर बाई टू डी, एप्सिलॉन एल k माइनस वन वी स्क्वायर बाई। अभी कांस्टेंट फोर्स आ गया इसमें, पता है छोटे छोटे सवाल कैसे थे पहले समझो। जैसे मान लो आप इसे डायलेक्ट्रिक ले लो और डायलेक्ट्रिक को ऐसे स्प्रिंग से जोड़ दो, बताओ कितना स्प्रिंग कांस्टेंट हो कि ये बैलेंसिंग हो जाए, क्या kx बराबर फोर्स? कभी ऐसे पुली उली लगाए थे, पुली लगा के मास लटकाते हैं, बताओ mg कितना होगी, बैलेंस रहे क्या? क्या पिक्चर क्लियर है? अरे भाई हाँ ना बोल यार, है ना? एक आध सवाल और ठीक है, और सवाल ऐसे मतलब ऑसिलेशन से जोड़ लेते हैं कैसे समझना अच्छे से। मान लो दूरी l है, अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो आपको बात समझ में आएगी, जब ये पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा तब तक तो ये फोर्स लगता रहेगा, पर जैसे ये पूरा अंदर आ जाएगा फोर्स क्या होगा? जीरो, डन रेस्पॉन्स। जब तक ये पूरा अंदर नहीं आया तब तक ये फोर्स लग रहा है, पर जैसे ही पूरा अंदर आ गया फोर्स जीरो। पर सोच अगर मैं इसको यहां से छोड़ूं तो जब तक ये अंदर आएगा इसमें रफ्तार आएगी कि नहीं आएगी? क्या फिर भले फोर्स जीरो हो गया मिडिल में आते ही, पर क्या रफ्तार की वजह से वो आगे निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा? पीछे। मुझे लगा है तुम्हें आया, तो क्या करेगा देख, SHM नहीं ऑसिलेशन, SHM करता तो फोर्स बराबर माइनस की एक्स आता। अरे भाई साहब SHM है कि ऑसिलेशन है? SHM की ऑसिलेशन, SHM का सवाल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि शीट में एच सी अरमा में है, आप खुद करना, बस अपर अप कर लेना, ध्यान समझ। तो ये ऑसिलेशन कर रहा है कि SHM कर रहा है? ऑसिलेशन। अच्छा पूछा जाए बता उसका क्या टाइम पीरियड है, सोच के ये एल दूरी इस फोर्स से चला है
तो कैसे एक्सलेशन निकल आएगा? तो एल दूरी कितने से रहा? एल बराबर हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंट है। यार मुझे लगाने तुम्हें आया, लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंट है तो एक्सलेशन। तो जितना समय इसको यहां से बीच में आने में लगेगा क्या उतना बीच से बाहर, फिर बाहर से बीच, फिर बीच से, क्या जो भी टाइम पीरियड इससे एल से आएगा क्या उसका चार गुना, उसका कितना? मैं अपनी बात नहीं समझा पाया, अरे आई कि नहीं आई? तो फोर्सेस के कई वेरिएबल, कई चीजों में उसको आपको इन्वॉल्व करा जा सकता है। प्योर सिंपल मैकेनिक्स होगी, समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है? तुम्हारे प्राण पखेरू। हालांकि एक और ऊपर की बात बताता हूँ, बहुत जरूरत नहीं, जनरली अपने लिए, जनरली क्या, अपने लिए कॉन्स्टेंट वोल्टेज ही है। मैं तो कह रहा हूँ कोई आपसे कॉन्स्टेंट चार्ज पे पूछ ले, किस पे पूछ ले तो समझना पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, कॉन्स्टेंट चार्ज पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। देख यहां तक सब कुछ सही है, पर सी ग्रेड तक भी सब कुछ सही है, पर बात ये कि अब अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें कॉन्स्टेंट चार्ज में तो क्या लिखें? हाफ सी वी स्क्वायर की क्यू स्क्वायर बाई टू सी। हाँ तो लिखोगे क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। अब जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो डी यू बाई डी एक्स जो आएगा वो देख क्या आएगा, वो आएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाई वन बाई सेकेंड डिग्री। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस वन बाई, तो टू बाई सी स्क्वायर डी सी इक्वलेंट बाई डी सी डी एक्स। हाँ माइनस माइनस तो साइन और ठीक हो छोड़ दो, पहले तो क्या है डी सी इक्वलेंट बाई डी एक्स की वैल्यू पता है? क्या सी इक्वलेंट की वैल्यू पता है? तो देखिए फंक्शन गंदा सा आएगा एक्स के टर्म्स में, किसके टर्म्स में? क्योंकि ये भले कांस्टेंट है पर ये कांस्टेंट नहीं है। तो जो फोर्स ऑन अ डायलेक्ट्रिक आता है कांस्टेंट चार्ज, वो कांस्टेंट आता है कि वेरिएबल? तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, ना रटाया जाता है ना कुछ करा जाता है। पर अगर कभी कोई पूछ ले पागल हो जाए तो मैं निकालना आना नहीं। मुझे लगा नहीं तो मैं आया, आया। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, उधर जलीदार। दो चीजें और पढ़ानी है, वैसे वो आपके कोर्स में नहीं है पर इनके फॉर्मूले याद रह जाएं, कभी कभी पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत बोर्ड में भी है इसलिए, पर ये आपके जे एडवांस के कोर्सेज में मेंशनड। मैंने आपको बोला था स्टेज में बहुत तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं, पर आपके कोर्स में कौन सा मेंशनड है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो टाइप के और होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मैं आपको दोनों को उनको समझाता हूँ, आपको तो फॉर्मूला रट लो बहुत है बस, ज्यादा ही कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर जाहिर सी बात है हमें ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, वैसे खत्म हो गया है सब कुछ, ये दो चीजें बता रहा हूँ, इनके फॉर्मूले रट लेना, प्रूफ भी बता रहा हूँ। हालांकि मैं स्फेरिकल कैपेसिटर याद कर हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास एक एनर्जी स्टोर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, जो कन्फाइंड होनी चाहिए कि बिखरी हुई। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया था, याद कर शुरुआती कहानी वहीं से जोड़ सकते हैं उसको। शुरुआत में मैं नहीं कराना चाहता था इसको क्योंकि कोर्स के अंदर का बहुत नहीं है, तो इसमें बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो इसको बिल्कुल आखिरी में इसलिए बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन। तो कैसे कैपेसिटर वो बनाएगा मैं आपको ध्यान से बताता हूं। मान लो एक स्फीयर लो अंदर हॉलो या सॉलिड जो भी लेना हो, और उसके बाहर एक और हॉलो ले लो, ये रेडियस ले लो ए और ये रेडियस ले लो बी, पहले तो जो मैं बोला चमका। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सोच के देखो कि अगर मैं इस वाले को अर्थ कर दूं, इस वाले को, और इसको चार्ज क्यू दूं, तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू और बाहर आएगा जीरो। अरे तुझे अर्थिंग वर्थिंग सब भूल गया तू। मैं दो हॉलो कंडक्टर लूं, मैं दो इस पे चार्ज दूं क्यू, तो यहाँ कितना आएगा? और क्यू की अर्थ है तो बाहर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि इसका टोटल पोटेंशियल जीरो होना तो तभी होगा जब क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से, तो जीरो हो गया, बाहर सिर्फ क्या होना चाहिए? जीरो। तभी ऐसा हो सकता है, वरना होना पॉसिबल नहीं है। जो मैं बोला चमका, अगर तू सिस्टम को बहुत ध्यान से देखे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने कंडक्टर पढ़े होंगे कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक टू में। कुछ याद है कि भूल गए हो? याद है, भूल गए हो? बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि क्यू और माइनस क्यू की वजह से जीरो, अंदर भी कुछ भी नहीं है तो हॉलो के अंदर जीरो होता है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो जाहिर सी देख के इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में मिली, तो क्या शानदार कैपेसिटर बन गया? जिसके अंदर बेसिकली अगर अपन बात करें तो जिसके अंदर बेसिकली क्या अपन एनर्जी कन्फाइंड रीजन में है। अब फिर से बात करें तो सिस्टम का जो सी होगा क्या वो लिखा जाएगा क्यू बाई वी? अरे क्या लिखा जाएगा? क्या वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? यार हाँ ना बोल। yes,
बाहर वाले को तो हमने अर्थ ही कर दिया था, उसका पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो क्या अंदर वाले के पोटेंशियल को मान लें VA, क्या मान लें? और इसे क्या मान लें? तो क्या पोटेंशियल इज बेसिकली VA माइनस VB, और क्या VB जीरो है? अब बोल VA क्या पोटेंशियल? VA का पोटेंशियल देख खुद की वजह से है KQ/A, बाहर वाले की वजह से KQ/B। नहीं याद है? याद है, भूल गया, याद है, भूल गया, बस उठा के वहां पे रख दे तो कैपेसिटेंस निकल आई। देख क्या निकल गया, कैपेसिटेंस के लिए क्या निकल गया, देख C=QQ/A-KQ/B। क्यू ने क्यू फो नहीं आया, 1/K = 4π ε₀। तो देख क्या आया, 4π ε₀ab/b-a। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, 4π ε₀ab भाई। ये फॉर्मूला अपने को याद होना, सोच अगर इसके बीच में डायलेक्ट्रिक भर देते तो क्या ε₀ की जगह ε₀k आ जाता? बाकी कोई खास बात बहुत ज्यादा इस पे पैपे करने की आवश्यकता, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ मेंशन है पैरेलल प्लेट के। रुक जाए, उतार लेना, हालांकि इसमें छोटे छोटे सवाल घुस जाते हैं कहीं, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप इसे थोड़ा सा दिमाग में रखो, थोड़ा सा प्रूफ के साथ भी, कोई खास बात। हालांकि सवाल होते उधर से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से, कहां से होते इलेक्ट्रोस्टैटिक? ऐसे ही अपना एक और कैपेसिटर होता है जिसे अपन कहते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में ध्यान याद करो कि अपन सिलिंड्रिकल, अपन जो भी अपन सिलिंड्रिकल वायर वगैरह पढ़ते थे, क्या उन्हें इनफाइनाइट माना करते थे? इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म है कि रियल टर्म है? रिलेटिव। वो अपन सब लोग जानते हैं, मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर ऐसे खुबा जी, एक और उसके पीछे छोटा डिफाइन कर दिया गया, खुबा जी आजमा जमला रहे ऐसा ले रहा और ऐसा आ, ये मान लो ये दूरी है ए और ये दूरी है बी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर सिलेंडर इनफाइनाइट, अपन इनफाइनाइट दोनों तरफ मान, इनफिनिटी इज रिलेटिव टर्म, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो इनफिनिटी इज रिलेटिव टर्म, तो बांध लेते हैं कि अंदर वाले पे चार्ज है लैम्डा और बाहर वाले को अर्थ कर देते हैं। अगर बाहर वाले को अर्थ कर देते हैं तो यहां कितना आता है? माइनस लैम्डा। कितना आता है? याद कर, होलो इनफिनिट वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ करती थी और बाहर क्या 2K λ/R हुआ करती थी। कुछ नहीं याद है? याद कर, तो देख सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल, दोनों की वजह से 0 हो जाएगी, तो क्या फिर से कन्फाइंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिली? क्या फिर से वैसा वाला सेटअप ही बन रहा है? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब, तो अपन ध्यान से देखो, तो यहां से तक की बात करें, इसमें कैपेसिटेंस असलियत में होती है Q/B। क्या होती है? अगर तू ध्यान से दे तो इसमें क्यू लिखा जाएगा लैम्डा एल, पर एल तो हमने अनंत माना है, एल तो हमने, पर वास्तविकता में वो अनंत होता, इसलिए इसमें ऐसे लिखते हैं C=λ×L/V, पर एल वास्तविकता में अनंत माना जाता है पर होता, इसलिए इसमें कैपेसिटेंस डिफाइन करके इसमें डिफाइन करते हैं C/L, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज नोन एज, इसका स्टैंडर्ड तरीका यही है, इसमें डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो उसमें लिख दिया जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट λ/V। व्हाट? λ/V, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, λ/V। नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट व्हाट? वी, व्हाट? नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट व्हाट? वी। अगर अपन ध्यान देंगे तो यहां से लेकर यहां तक तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, किसी भी r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, क्या वो 2K λ/R है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, 2K λ/R। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद करो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन था, तो अपन लिख सकते हैं V initial - V final = ∫E.dr। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी याद? V initial - V final। क्या अपन इनिशियल वाले बेसिकली, क्या V initial - V final ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है? वी, अपन ने ई की वैल्यू रख दी 2K λ/R dr, 2K λ/R dr, लिमिट कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक, तो वी के लिए निकल के आई 2K λ ln(b/a). अरे कभी तो हाँ ना बोलो, 2K λ ln(b/a), सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। जब आप इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जिसे आप कहते हो वो क्या निकल के आएगा? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकल के आएगा 2K λ/R। उधर देख, ऊपर बचा 2π ε₀, 2π ln(b/a). अरे लेमडा ने लेमडा को के की क्या वैल्यू होती है? तो ऊपर ले गए 2 ने 2 को। ये दोनों फॉर्मूले याद रह जाएं तो कोई बुराई, तुम्हारे प्राण प्रखेरू। उतार।